सो है गाइस, तो आज सबको तो पता ही होगा कि आईपीएल आने वाला है, इसलिए हम आईपीएल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल ला चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हम इधर सीएसके का जर्सी पहना हुआ है, तो आप जिस भी टीम को आपको अच्छा लगे आप उस टीम का जर्सी इधर पहना सकते हैं। तो अब मैं सारा टीम का पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जर्सी का पीएनजी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जिस भी टीम का अच्छा लगे आप उसी टीम का इधर सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्सी पहना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल में न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेना। तो पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेने का सिंपली इधर ऊपर में आपको टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, आपको रिसाइज में क्लिक कर देना होगा। तो रिसाइज में क्लिक करने सिंपली इधर से अपना साइज को आपको ठीक ठाक कर लेना। चलिए मैं एक जगह धीरे धीरे डाल दिया, उसके बाद देख सकते हैं हमारा कुछ साइज निकल कर 25x92 हमारा कुछ इतना साइज हमको रख लेना होगा। चलिए 25x92 हम इधर साइज अपना रख लेते हैं। तो 25 साइज अपना रख लेने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इधर से चले आना होगा आपको ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में आने के बाद आपका जो भी मॉडल होगा सिंपली आपको अपना मॉडल को इधर ऐड कर लेना होगा सिंपली पहले। तो चलिए मैं अपने मॉडल को इधर ऐड कर लेता हूँ अच्छे से। तो ऐड करने में कुछ जितना आपको साइज कर लेना होगा अपने हिसाब से। तो चलिए मैं अपने हिसाब से हम साइज को इधर से कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए कुछ जितना आपको साइज कर लेना होगा, तो कुछ जितना साइज कर लेने के बाद आपको क्या करना, सिंपल आपको साइड में इरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको इरेज में क्लिक करके आपको क्या करना, आपको हार्डनेस और ओपेसिटी को आपको हल्का हल्का सा कम कर लेना होगा और आपको इधर से आपको इरेज करना होगा हल्का हल्का सा। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो जितना काम हो जाएगा सिंपल आपको टिक में क्लिक कर देना होगा। टिक में क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से फिर से ऐड फोटो में आ जाना होगा। तो ऐड फोटो में आने के बाद इस विकेट वाला पीएनजी को आपको ऐड कर लेना होगा। तो चलिए आपको ऐड कर लेना, आपको कुछ स्टेप से आपको नीचे लगाना होगा, आपको कुछ स्टेप से आपका हैंड का आपको सामने ही आपको लगाना होगा कुछ स्टेप से। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो लगा देंगे सिंपली आपको चलाना होगा ऐड फोटो ऑप्शन, चलिए मैं ऐड फोटो में क्लिक कर देता हूँ। ऐड फोटो में क्लिक कर देने का आपको क्या करना, सिंपली आपका जो अपना जर्सी होगा सिंपली आपको अपना जर्सी को इधर से सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपोसिटी को कम करके अपने हिसाब से आपको लगा देना होगा कुछ स्टेप से। तो ओपोसिटी को कम करके आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर परफेक्ट लग रहा है इधर। चलिए मैं ओपोसिटी को कम करके इधर देख लेता हूँ। तो देख लेने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली इधर से ओपोसिटी को आपको हल्का सा इधर बढ़ा लेना होगा। तो चलिए मैं इधर से ओपोसिटी को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। तो बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको इरेज में क्लिक करके आपको इनवेट में क्लिक कर देना, उसके बाद आपको पेंसिल वाला आइकन को सिलेक्ट करके सिंपली इधर से आपको पेंट कर देना होगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से पेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जितना काम हो जाने का था वो सिंपली आपको टिक में क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं इधर से टिक में क्लिक कर देता हूँ। टिक में क्लिक कर देना, सिंपल आपको फिर से ऐड फोटो में आके आपको सेम वही जर्सी आपको ले लेना होगा। तो लेने के बाद आपको सिंपली इधर ऐड कर लेना होगा। तो ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से आपको साइज को आपको बड़ा कर लेना होगा। तो चलिए मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ। तो कर लेने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इधर से फिर से आपको ओपेसिटी को कम करके आप जहाँ पर लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं आप वहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए मैं इधर हैंड पर लगाना चाहता हूँ, चलिए मैं इधर लगा देता हूँ। तो चलिए आपको कुछ इस टाइप से आपको ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हैं आपको कहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। चलिए मैं इधर, हमारा इधर परफेक्ट लग रहा है, तो हम इधर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओपेसिटी को हल्का सा बढ़ा के हम इधर इरेज में क्लिक कर देंगे। चलिए मैं इरेज में क्लिक कर देता हूँ इधर से। तो इरेज में क्लिक कर देंगे आपको क्या करना, सिंपली इधर से इरेज को सिलेक्ट कर लेना होगा, इनवेट में क्लिक कर देना होगा और अपने हैंड में इधर पेंट करना होगा कुछ इस टाइप से। चलिए मैं आपको जल्दी से पेंट करके इधर दिखा देता हूँ। तो कुछ जितना काम हो जाएगा आप ओपेसिटी को आपको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ओपेसिटी सिंपल आपको टिक में क्लिक कर देना होगा, टिक में क्लिक करना फिर से आपको ले लेना होगा सेम पीएनजी। चलिए मैं सेम जर्सी को इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐड फोटो में आके। चलिए मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली इधर क्या करना होगा, सिंपली आपको सेम प्रोसेस कर लेना होगा, अपने हैंड में भी इधर लगा देना होगा। तो चलिए मैं फिर से इधर ओपेसिटी कम करके मैं इधर लगा के आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस टाइप से आपको लगाना होगा अपना कुछ इस हैंड पे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इतना लगा देना होगा, तो मेरा यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है तो हम इधर लगा लेंगे। तो लगा लेने के बाद आपको क्या करना, आपको फिर से सेम वही आपको कर लेना होगा, सिंपल आपको इरेज में क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं इरेज में क्लिक कर देता हूँ। तो इरेज में क्लिक करना फिर से आपको इनवेट में क्लिक कर देना, इनवेट में क्लिक करना फिर से आपको पेंसिल वाला आइकन लेके आपको सिंपली इधर से पेंट कर देना होगा। तो चलिए मैं इधर से पेंट कर लेता हूँ अपने जल्दी जल्दी से।
तो सिंपली कुछ इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको फिर से ऐड फोटो में आ जाना होगा। तो चलिए मैं इधर से फिर से ऐड फोटो में क्लिक करके आपको वही अब जर्सी आपको इधर से ऐड कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपना जर्सी को इधर से फिर से इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको लास्ट जो काम करना होगा आपको सेम आपको वही कर लेना होगा लास्ट में। तो आपको लास्ट पार्ट आपको कुछ इस टाइप से आपको कर लेना होगा। तो कर लेने के बाद आपको ऊपर सीट अपने हिसाब से रख लेना होगा, आपको फिर से इधर इरेज में क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं इधर से इरेज में क्लिक कर देता हूँ। तो इरेज में क्लिक करना सिंपल आपको इधर इनवर्ट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपल इधर से पेंट कर लेना होगा, लास्ट करना होगा कुछ इतना। तो चलिए मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा जर्सी का काम कम्प्लीट हो चुका है। तो होने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली टिक में क्लिक कर देना होगा। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इधर से ऐड फोटो में आ जाना होगा और आपका जो नीचे का एरिया है आपको उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो कर लेने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली आपको कुछ स्टेप से लगाना होगा। तो इसका आपको सिंपल प्रोसेस आपको फिर से आपको एक बार ही लगाना होगा कुछ इतना। तो लगा देने के बाद आपको क्या करना, अपने ओपेसिटी को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ओपेसिटी कुछ जितना कर लेने का आपको क्या करना, सिंपली आपको इरेज में क्लिक कर इनवर्ट में क्लिक करके आपको सिंपली इधर से ड्रॉ कर देना होगा। तो चलिए मैं इधर से पेंट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो लोग देख सकते हैं इतना काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली आपको ऊपर में एक टिक वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको टिक वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो टिक वाला ऑप्शन में क्लिक करने सिंपल इधर से आपको चले आना होगा ऐड फोटो ऑप्शन में। तो चलिए मैं फिर से ऐड फोटो ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। ऐड फोटो ऑप्शन में क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना, सिंपली इधर से IPL वाला PNG के इधर ऐड कर लेना होगा। तो ऐड कर लेने का कुछ स्टेप से आपको साइज को अपना कुछ इतना करके आपको ऊपर में कुछ स्टेप से इधर लगा देना होगा। तो चलिए मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ। तो लगा देने का सिंपल आपको टिक में क्लिक कर देना होगा। तो टिक में क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से ढूंढ लेना होगा ड्रॉ टूल ऑप्शन। तो चलिए मैं ड्रॉ टूल में क्लिक कर देता हूँ। ड्रॉ टूल में क्लिक कर देने का सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको साइड में एक थ्री डॉट ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली उसमें क्लिक करके आपको फोटो को सेव इमेज कर लेना होगा। तो कुछ जितना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इधर से लाइट में आपको ओपन कर लेना होगा। लाइट में अपने अपना फोटो को इधर से ओपन कर लेना होगा। तो ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इधर से साइड में एक लाइट बल्ब ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको लाइट बल्ब ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। लाइट बल्ब ऑप्शन में क्लिक करना सिंपली इधर से कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस करना होगा और ब्लैक को आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा। जितना कम हो जाएगा सिंपली इधर से चले आना होगा कलर ऑप्शन में। तो कलर ऑप्शन में आने के बाद इधर से वाइब्रेशन को हल्का सा प्लस करके सैचुरेशन को हल्का सा प्लस कर देना होगा। जितना कम हो जाएगा सिंपल आपको ऊपर में चले आना होगा मिक्स ऑप्शन में। तो मिक्स में आने का सिंपली इधर से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके आपको सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देना होगा। तो सेचुरेशन माइनस कर लुमिनेंस को इधर से हल्का सा प्लस कर देना होगा। उसके बाद आपको चले आना होगा येलो कलर में, सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर देना होगा। सेचुरेशन प्लस कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर से सिंपली इधर से चले आना होगा आपको रेड कलर में। तो चलिए मेरे इधर से रेड कलर में क्लिक कर दो। रेड कलर में क्लिक कर ह्यू को हल्का सा माइनस करना होगा, सेचुरेशन को आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली आपको चलाना होगा इधर से बैक। तो चलिए मैं इधर से बैक चला आता हूँ। तो बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, इधर से सब सिंपली इधर से आपको क्लिक करना है इफेक्ट वाला ऑप्शन में। तो इफेक्ट में क्लिक कर इधर से आपको क्लियरिटी को आपको प्लस कर लेना होगा कुछ इतना। तो क्लियरिटी प्लस कर लेने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली इधर से चलाना होगा विग्नेट ऑप्शन में। तो विग्नेट को आपको क्या करना, सिंपली इधर से हल्का सा आपको माइनस कर देना होगा, कुछ नहीं करना, आपको हल्का सा माइनस कर देना होगा। इतना कम हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो पे कितना अच्छा कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है। तो इतना कम हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपल आपको ऊपर में एक शेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और आपको फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना होगा। तो दोस्तों एडिटिंग का ऐसा अकाउंट में बता दीजिए और इसे न्यू ट्रेनिंग फॉर एडिटिंग सीखना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस कर दिए, क्योंकि मैं जब भी न्यू ट्रेनिंग फॉर एडिटिंग करूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग फॉर एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।